दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। सुल्तानपुर में प्रधान प्रत्याशी की लाठी डंडों से पीटकर हुई हत्या। चांदा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा फरमारपुर के प्रधान प्रत्याशी अमरदेव गौतम पुत्र राम अवध निवासी फरमारपुर के बगल के सटे गांव मुन्नीपुर में बीते रात राजेंद्र वर्मा के घर पर कुछ बात करने गए थे, तभी उनके व परिवार वाले द्वारा अमरदेव गौतम के ऊपर लाठी डंडा। राजीव कुमार तिवारी, सुल्तानपुर की रिपोर्ट। थाना चांदा क्षेत्र में दो पक्षों में आपसी मारपीट हुई, जिसमें अमरदेव गौतम पुत्र राम अवध निवासी फरमापुर की सर में डंडे की चोट के कारण इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये बात प्रकाश में आई है कि अमरदेव गौतम रामगंज बाजार से खरीदारी करके लौट रहे थे, तो वहाँ रास्ते में दूसरे पक्ष के शिववर्मन वर्मा के लड़के राजेंद्र वर्मा इत्यादि द्वारा उनके साथ छीना झपटी की गई, जिस बात का उलाहना लेकर अमरदेव गौतम और उनके चाचा सीताराम राजेंद्र वर्मा के घर गए थे। वहां दोनों पक्षों में पुनः लड़ाई होने लगी। लड़ाई के दौरान अमरदेव गौतम की डंडे की चोट सर में लगी, जिसमें इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। इसमें अमरदेव गौतम के परिजनों की तहरीर पर चार लोगों को और कुछ अन्य व्यक्ति को अज्ञात नामजद करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया है। नामजद आरोपीगण के नाम राजेंद्र वर्मा, जितेंद्र वर्मा, वीरेंद्र वर्मा और जगन्नाथ वर्मा हैं। यह बात भी जानकारी में आई है कि अमरदेव गौतम प्रधान पद के प्रत्याशी थे, लेकिन वर्तमान घटना का प्रधानी के चुनाव की रंजिश को लेकर कोई बात होना नहीं पाया गया है। अरे मशीन से कुछ निकल रहा है, ये गुड नाइट गोल्ड फ्लैश है, इससे फ्लैश पेपर से निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मच्छर चाकू की तरह छुपे रहते हैं, इसीलिए फ्लैश मोड में फ्लैश वेपर्स पुलिस की तरह कोने कोने छुपे डाकू मच्छर फूट के थपाक थपाक 30 मिनट बाद नॉर्मल मोड में ऑटोमेटिकली नए डाकू मच्छर आए तो हर 4 घंटे फ्लैश वेपर्स फिर निकल के थपाक थपाक। गुड नाइट गोल्ड फ्लैश छुपे मच्छर को।